हाय एवरीवन, आइए समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर एक ये वेक्टर है कोई एफ वेक्टर और आपसे कहा जाए इस वेक्टर के कंपोनेंट्स करिए, तो मिनिमम दो रेजोल्यूशन, दो कंपोनेंट तो हम इजीली कर सकते हैं। पहला एक्स डायरेक्शन में और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इसका नाम रखूं एफ एक्स और इसका नाम मैं रखूं एफ वाई, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा एंगल है तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहां पर देख सकते हैं एफ कॉस थीटा होगा, और एफ वाई की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं वो होगा एफ साइन थीटा। इस तरीके से आप लोग कंपोनेंट कर सकते हो, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस और जो बच गया वो साइन। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर एक ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ये एंगल है 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी।